पानी भी कोई पिलाता है तो आप धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। पर परमात्मा ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है, जो उपकार किया है, वो विश्व में इतना उपकार कोई नहीं कर सकता। कब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। प्रभु ने अकारण ही करुणा करके आपको नर देह प्रदान कर दिया, मनुष्य शरीर गिफ्ट में दिया है। अब इससे ज्यादा कीमती चीज और क्या होगी? वो आप कहोगे शरीर इसमें क्या कीमत है? अरे शरीर की तो जाने दीजिए। कोई अंधा आपसे कहे भैया तुम पे दो आंख हैं, हम पे एक भी नहीं है, एक हमको दे दो, 50-50 कर लेते हैं, एक से तुम काम चला लेना, एक से हम चला लेंगे, और जितना चाहिए रुपया ले लो हमसे। तो बोलो आप एक आंख देने के बदले में कितना रुपया लो लेना चाहोगे? सोच नहीं पाओगे, कोई देना ही नहीं चाहेगा। कितना भी कोई रुपया दे, अपनी आंख कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। तो शरीर की कीमत का आकलन कर लो। जब एक आंख इतनी कीमती है जिसकी तुम कीमत लगा नहीं पाते, सोच नहीं सकते। कोई लीवर मांगे, तमाम एक एक अंग आपके शरीर में कितने हैं, और सबकी यदि अलग अलग कीमत जोड़ी जाए तो गिन नहीं पाओगे, इतनी कीमती है ये शरीर। और भगवान ने फ्री में गिफ्ट कर दिया आपको। क्या दिया आपने? तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि भगवान ने इतनी कीमती चीज आपको गिफ्ट दी है तो आप भगवान को हृदय से धन्यवाद दो? और यदि नहीं दे रहे तो क्या तुम कृतघ्न नहीं हुए? क्या ये अपराध नहीं हुआ? बोलो राधे 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 राधे। दुनिया को तो आप धन्यवाद देते हो। एक के भैया ने अपनी बहन जी को नथ दी हीरे की, तो पहन करके घूमी और जो भी उसके नथ की प्रशंसा करे, हीरा बड़ा चमक रहा है, ये कहां से खरीदा? बोले खरीदा नहीं, मेरे भैया ने जयपुर से लाके दिया। मेरा भैया मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं जो मांगती हूं जो कहती हूं वही लाके देता है। अब उस हीरे के नथ के माध्यम से भैया के गीत उसने सबको सुनाए, कोई ना भी पूछे तो भी बताती थी ये नथ है ना मेरे भैया ने लाके दी है। एक महात्मा बड़ी देर से सुन रहे थे उसकी, बिटिया इधर आओ। हाँ महाराज जी। बोले तुम्हारी नथ बड़ी सुंदर है। हाँ महाराज जी, भैया ने मुझे जयपुर से खरीद के लाके दी है, शुद्ध हीरे की है। बोले बेटी तेरे भैया ने तुझे नथ दी तो भैया के गीत तू कितने लोगों से गा गा करके उसकी महिमा गा रही है, परंतु तेरे भैया ने नथ दी उसके गीत तो तूने गाए। जिस परमात्मा ने तुझे नाक दी कभी उसको भी धन्यवाद दिया? यदि परमात्मा ने नाक ही न दी होती तो हीरे की ये नथ किस काम में आती? बोलो राधे 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 राधे। इसलिए जो परमात्मा ने दिया है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। अतः जो भगवान के उपकार, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीरो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन हो। गोस्वामी जी मैं विनय पत्रिका में कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान के किए हुए उपकारों पर ध्यान न देना, ये कृतघ्नता। अच्छा मनुष्य शरीर ही नहीं दिया, आपको सरकार सुविधा देती है तो सुविधा शुल्क लेती है। आपके घर में नल पहुंचा दिया पानी की व्यवस्था के साथ, तो नल का पानी का बिल जमा करो। बिजली पहुंचा दी, बिजली का बिल जमा करो। सड़क बना दी तो रोड टैक्स जमा करो। हर चीज पर टैक्स, सुविधा सुविधा के साथ टैक्स। पर परमात्मा ने जो सुविधा दी उस वो निःशुल्क है। सूर्य भगवान प्रकाश लेके आते हैं, बिजली का बिल जमा करना पड़ता है। सूर्य भगवान ने कभी बिल भेजा? एक महीने की छुट्टी पर चले जाएं सूर्य भगवान तो बोलो सर्दियों में क्या हाल हो अपना। परंतु प्रतिदिन समय पर आ रहे हैं, पूरी ड्यूटी अपनी बजा रहे हैं। भगवान ने कहा भाई तुम्हें ये उजेला देते हैं, प्रकाश देते हैं, धूप देते हैं, बदले में कुछ तो बिल जमा करो। क्या? तो एक लोटा पानी चढ़ा दिया था। बिल के रूप में भगवान ने व्यवस्था बनाई कि सूर्य भगवान को स्नान के बाद एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए, तो भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। हमने आजकल वो भी बंद कर दिया, कितने लोग चढ़ाते हैं। परंतु आप ना भी चढ़ाओ तो क्या सूर्य भगवान हड़ताल पे चले जाते हैं कि लोग बिल जमा नहीं करते तो हम क्यों अपनी ड्यूटी दें? अरे बिल जमा नहीं करते तो सरकार तो कनेक्शन काट देगी, बिजली बंद। पर धन्य है भगवान की व्यवस्था के को पानी चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, सूर्य भगवान सबको बराबर प्रकाश दे रहे हैं।
कि चढ़ाने वाले को ज्यादा मिले और न चढ़ाने वाले को कम, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रमा शीतल किरणों का सुख दे रहे हैं। एक साल पानी न बरसे तो हाहाकार मच जाता है, सूखा पड़ जाता है। समय पर मेघ पानी बरसा के चले जाते हैं। आज तक कभी बिल नहीं भेजा कि इतना पानी बरसाया, टैक्स जमा करो। पवन देव यद हड़ताल पे चले जाएं कि हमको आज विश्राम करने का मन है, एक दिन आराम करेंगे, हवा नहीं चलेगी तो क्या हाल होगा। तो पवन, सूर्य का प्रकाश, मेघों का जल, भगवान के सारे कर्मचारी सब फ्री सेवा कर रहे हैं। आज तक किसी ने आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा, तो इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। शरीर दिया, शरीर का संचालन करने के लिए समस्त सुविधाएं फ्री हैं, और इतने पर भी हम भगवान के प्रति कृतज्ञ न बने तो हमारे जैसा कृतघ्न व्यक्ति कौन होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये इतिहास गोपनीय है जो कुंभज ऋषि ने मुझे सुनाया था, जो प्रसंगानुसार तुम्हें सुना दिया। अब तुम ही जान लो, इससे ज्यादा नाम की महिमा क्या होगी कि अजामिल जैसा महापापी ब्राह्मण परंतु गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लेके पवित्र हो गया, उसका कल्याण हो गया। इसलिए इससे बढ़िया साबुन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आओ एक बार इस साबुन को लगाई लें, फिर आगे चलते। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे होए गए भाई बजाते हुए लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हरि बोल। श्री वाग्य बिहारी राज जय हो। बड़ हाथ से ताली बजाते हुए गए सब। नील नील जाति के बानर, नील नील जाति के बानर, राम राम लिख दिया शिला पर, राम राम लिख दिया शिला पर, अरे होए गई जय हो, होए गई सेना पा लेकर नाम तेरा, अरे होए गई सेना पा लेकर नाम तेरा, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण
द्वार का नाथ पुकार। अरे बढ़ गया है हो, बढ़ गया तीर अपार, अब हो गए भव से पार, सब हो गए भव से पार, नाम तेरा। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे बोल गए जय हो,